करते इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर सामने, यूपी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। सीएम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रयागराज के 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रयागराज के करछन्ना विधानसभा जाएंगे सीएम, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रयागराज के 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रयागराज के करछन्ना विधानसभा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने, यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रयागराज जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रयागराज के करछना विधानसभा जाएंगे सीएम, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी दौरा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर दौरा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख करते हैं। संदीप, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी का दौरा करने वाले हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो जाकर चुनावी प्रचार करेंगे, डोर टू डोर वोट मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए जो कांग्रेस के हैं। क्या कुछ यहाँ पर आपके पास ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रयागराज दौरा जो है वो 2 विधानसभा जो यमुना पार की है उसमें है, एक करछना, दूसरा 12 विधानसभा है जहां पर वो आए हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए वो वोट मांगेंगे और जनता को, कांग्रेसियों को जिताने के लिए वो जो है वो वहां से मांग करेंगे। उसके बाद उनका जब 12 विधानसभा जो कि दूसरी वाली विधानसभा है यमुना पार की, वहां से फिर वो आएंगे शहर उत्तरी जो कि शहर की विधानसभा है वहां पर आकर वो कांग्रेस प्रत्याशी जो अनुग्रह नारायण सिंह है उनके लिए डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। उसके बाद फिर उनका जो है वो छत्तीसगढ़ वापस जाने का कार्यक्रम है। जी संदीप, कितनी जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे तक उनका वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है और अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनका कार्यक्रम जो है वो 12 बजे का था करछना पहुंचने का, लेकिन कुछ विलंब से वो करछना पहुंच चुके हैं और वहां की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां से फिर वो निकलकर जो है वो 12 विधानसभा पे जाएंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 से 4 के बीच में वो शहर उत्तरी विधानसभा में पहुंचेंगे जहां उनको डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है। जी बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।